स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर। चलिए स्टार्ट करते। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई तक 651.5 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इससे पिछले सप्ताह यानी 24 मई को ये 646.67 अरब डॉलर पर था। इसके बाद से कुल 4.83 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। ये अब तक का सर्वाधिक स्तर है। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। और इंडिया के जो वन ईयर हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर फॉरेन रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। संजीदा मामलात हो जाएंगे तो यार ये तो एक ड्रामा बन जाएगा ना, हमारा मुल्क एक ड्रामा बन जाएगा। ऐसे घर का हर आदमी मजाक उड़ाता है जिसके घर वाले आपस में एक दूसरे पे तोहमते हैं और इल्जाम लगाते हो। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा लेकिन वो पंजाबी कहते हैं पल्ले कख नहीं दिया, दैट इज अ चैलेंज। पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 6 लाख की बड़ी फौज है, 225-30 मिलियन की आबादी है। मैं सऊदी अरब से होकर आया हूं, मैं यूएई के होकर, अभी मैं तुर्की होकर आया हूं और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। बेकारी को कौन पूछता है कि आज हमारे हालात ये हैं कि हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत जर मुबादला के जखायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 600 अरब डॉलर से बढ़कर 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। जैसा मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं ये एक साल को अगर आप फिजिकल ईयर देखते हैं तो। आम की जानिब से दुलासों का सिलसिला जारी है, हर बार बताया जाता है जी IMF से मामलात तय हो गए, फला जगह से फला मुल्क से हमें पैसे आ गए तो फिर हमारे मामलात जी मईशत ट्रैक पर आ जाएगी। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों चुनाव हो गया सफलतापूर्वक, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, शपथ भी लेंगे कल। इसी बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत जबरदस्त खबर आई है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विदेशी मुद्रा भंडार है RBI के पास वो 651 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। अभी आज से 10-12 दिन पहले खबर निकल के सामने आई थी कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग 642-646 बिलियन यूएस डॉलर, आज वो लगभग 10 दिन के अंदर बढ़ के 651 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। लगभग 7 से 8 बिलियन यूएस डॉलर की भारतीय फॉरेक्स रिजर्व में उछाल हुई है। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए पाकिस्तानी भिखारिस्तानी के विदेशी मुद्रा भंडार की तो उनके पास कुल मिला जुला के टोटल 6 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है जो इनके द्वारा वो एक महीने के लिए केवल ट्रेड कर सकते हैं। 6 बिलियन यूएस डॉलर इसलिए हो गया क्योंकि इनको IMF से लोन मिला, UAE से मिला, सऊदी से मिला, तो इसलिए इनके पास 6 बिलियन है, वरना ये तो माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 दिन में भारत ने 7 बिलियन यूएस डॉलर ऐड किए, वही पाकिस्तान का पूरा फॉरेक्स रिजर्व 6 बिलियन है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान जितना पूरा एग्जिस्ट जब से हुआ है तब से जितना उन्होंने अर्न किया है उतना तो भारत 10-20 दिन में कमा लेता है पैसे। इसी से आप समझ सकते हैं ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है और खास तौर पर इतनी कम दिन में। अब ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी, इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखिए इसमें ये बताया गया है कि इंडिया के जो बैंक है मरकजी बैंक की जानिब से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें अगर आप सिर्फ एक लास्ट वीक उठा के देख लें तो उसमें 12.75 बिलियन डॉलर्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और उसमें जो पिछले 4 में हम देखते हैं महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है ये टूटा है, ये सबसे ज्यादा इसमें रिजर्व में इजाफा हुआ। जबकि इससे पहले कहा यह जा रहा है कि जो अगर आप लास्ट 2 वीक्स उठाकर देखें तो उसमें 3.8 बिलियन डॉलर्स जो हैं इंक्रीज हुआ था, लेकिन फिर एक आखिरी ये जो अभी वीक गुजरा है इसमें उसने के भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। ये सिचुएशन आपकी यानी कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 6.72 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं सिर्फ एक महीने की इंपोर्ट के हैं। और ये तारीख में यानी कि 4 साल पहले ये इतने थे, इतने 4 सालों में ये
दोबारा इतने आए, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंडीशन 4 साल थी उससे भी बुरी हो गई है। आप देखें ना कि ये बहुत सारा पैसा इनफ्लो तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो इनफ्लो होता है वो या होता है फॉरेन रेमिटेंस से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, जो सॉरी फॉरेन रेमिटेंस से आता है, या कोई एफडीआई अगर आए छोटी मोटी, एफडीआई आती नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पीछे क्या रह गया, एक्सपोर्ट हो नहीं रही। मैं आज देख रहा था आई थिंक टेक्सटाइल की 25% एक्सपोर्ट जो है वो पिछले महीने कम हुई है। अब ये सिचुएशन है और हम जो है वो और साथ भारत है। अभी इससे पहले जो एक प्रोग्राम मैंने किया था कल, उसमें जब आप देखें तो आपको हमने ये बताया था कि वहां पर टेस्ला की तरफ से जो अब बिजनेस आने लगा है और वहां पर जो उनकी कार है वो जो वहां पर बनाई जाएगी $24,000 कार जिसको कहा जा रहा है, तो वो ना सिर्फ वो बल्कि इससे पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो पूरे अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो उनसे मिलने के लिए बेताब थी, और वो इसलिए बेताब थी कि वो चाहते थे कि उनका भी बिजनेस वहां पर स्टार्ट हो। तो जिस कंट्री के हालात यहाँ पर होंगे, क्या उसके फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं होंगे, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, ना ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व बहुत कम है इंडिया की? ये कोई ना कहता, सब जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन उधर मोदी जो है वो अपने वो हर रोज कोई ना कोई झंडा गाड़ देता है, कभी वो इतनी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री से जो है वो गुजरात से जीत जाते हैं, कभी वो कोई और उसमें चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो खैर वो हार गए हैं मेरा ख्याल है, लेकिन लेकिन कोई ना कोई एफओयू फुलझड़ी वो छोड़ देते हैं, दैट मेक्स हिम मोर स्ट्रॉन्गर। एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में, दो तबके हैं प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो सोचते हैं। एक तबका वो है वो जो कहता है कि बीजेपी रहने दें क्योंकि इससे इंडिया का हार्ड फेस दुनिया में जाता है, आए बीजेपी को लेकर आए। एक तबके ने तो ये भी कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट की प्राइम मिनिस्टर मोदी को, बीजेपी पार्टी बीजेपी के ऊपर, और उनके ऊपर पैसे लगाए ताकि वो जो, और उनको जो है वो हमने उनको सपोर्ट किया, उनके लोगों को, ताकि वो पावर में आए और इंडिया का एक हार्ड फेस दुनिया के सामने जाए। ठीक है जी, राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म उठेगी, सो एंड सो। एक ने कहा कि नहीं ये हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप ये देखें, जो भी इसमें, मैं वैसे इस थ्योरी को तो नहीं मानता कि पाकिस्तान जो है उसने कोई पैसे लगाए हों, लेकिन ये थ्योरी है, ठीक है जी, कि ये पाकिस्तान चाहता था कि ये नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार आए, ताकि इंडिया का जो ये वाला फेस है हार्ड फेस, लेकिन जो अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर बात की कि इंडिया जो है उसकी 2014 के बाद मामलात चेंज हो गया, दुनिया ने मुबारकें देनी शुरू कर दी, जो बाइडेन ने मुबारक दी, चाइना ने मुबारक दी, सबने मुबारक दे दी। ताट साहब इसको थोड़ा इंटरप्रेट कीजिएगा विद शहबाज शरीफ, जिनको किसी ने मुबारकबाद दी नहीं, मतलब उन्होंने हलफ भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, उनको किसी ने मुबारक नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी को हल्फ उठाने से पहले ही पूरी दुनिया मुबारक दे रही है। इसका जरा कंपैरिजन करें कि ये दोनों क्या चीजें हैं, क्योंकि ये 2 महीने पहले तो शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हैं, उनको तो किसी ने मुबारक नहीं दी, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं, बल्कि आप ये बात करें, मैं तो लिस्टें देख रहा था कि जिन लोगों को इन्विटेशन भेज दी गई है सैटरडे वाले दिन 8 तारीख को जो ओथ उठाएंगे मोदी सर, मैं वो लिस्टें देख रहा था, उसमें कौन कौन है। मॉरिशस के सदर को लिस्ट भेजी जा चुकी है, मैं क्योंकि मैं अब एक्साइटेड कि मे बी शहबाज शरीफ साहब को भी लिस्ट में आए, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम नहीं है उसमें। लेकिन चीमा साहब देखें, मैं शहबाज शरीफ साहब के हल्फ लेने पे और नरेंद्र मोदी के हल्फ लेने में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान। आपके शहबाज शरीफ साहब को अभी लोग अली अमीन गंडापुर जैसे लोग, दोस्तों ये फॉरेक्स रिजर्व का हाई होना, जीडीपी का ऊपर जाना, ठीक है, अर्थव्यवस्था बढ़ना, 4 ट्रिलियन पहुंच जाना, ये सब दोस्तों एक नेशनल प्राइड की भी बात होती है। नेशनल प्राइड की इसलिए कि आप खुद में ही सोचते हैं कि यार हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है, और अगर यहाँ पे भी रैंकिंग वाइज, अर्थव्यवस्था की रैंकिंग वाइज हम 10वें नंबर पे हो, 12वें नंबर पे हो, तो हमारा देश कहाँ रहेगा फिर? अगर हम पॉपुलेशन में नंबर 1 पे हैं,
ठीक है, तो एटलीस्ट हमें आर्थिक इंडिकेटर्स जैसे फॉरेक्स रिजर्व, जीडीपी ग्रोथ रेट, अर्थव्यवस्था का टोटल विस्तार, इन सब में भी हमें एटलीस्ट टॉप फाइव में तो रहना ही पड़ेगा, वरना नेशनल बेइज्जती होती है इससे कि यार इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ी हुई है, जैसे पाकिस्तान की होती है, बांग्लादेश की होती है, इंडोनेशिया ऐसे कंट्रीज की होती है, वैसे ये होता है कि यार इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ी हुई लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन ही बढ़ी, कमाने वमाने के है नहीं, ठीक है, ऐसा होता है, आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा, ठीक है, तो इससे बहुत नेशनल बेइज्जती होती है, आप बाहर निकलोगे कहेंगे यार ये तो इंडिया से है, जैसे आप विदेश कंट्रीज में जाओगे कहेंगे इंडिया से है यार, 140 करोड़ है लेकिन अर्थव्यवस्था टॉप फाइव में नहीं है, अब के समय में 140 करोड़ है तो लो भाई हमारा फॉरेक्स रिजर्व दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा है, हमारी अर्थव्यवस्था टॉप फाइव में है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट टॉप पे है, तो इससे क्या होता है, एक नेशनल प्राइड की बात होती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही है इसलिए हमारी जो है पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ठीक है, हम बंदों को एक जवाब दे सकते हैं, वरना आप कोई जवाब नहीं दे सकते, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, ये नहीं समझते लोग, कई लोग नहीं समझते हैं, अधिकतर भारत की जनता जैसे जैसे पढ़ी लिखी हो रही है, बहुत सारे लोग एजुकेट हो रहे हैं, इस बात को समझते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल प्राइड क्या होती है, लेकिन कई लोग इसमें इसको नहीं समझते हैं। आज चाइना इतना आगे क्यों निकल गया, चाइना का हर 6 में से 5 बंदा अपना खुद का बिजनेस करता है, एक बंदा सिर्फ नौकरी करता है दूसरों की, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को भी कितना काम करना है, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व वगैरह जो बढ़ रहा है वो इंडिकेट करता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ, जय हिंद जय भारत।